नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे दर्शकों, और बड़ी खबर सीमा हैदर को लेकर है। सीमा हैदर को लेकर हम आप जान रहे हैं कि एटीएस की जांच चल रही है और उसको लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की जो लव स्टोरी है इन दिनों सुर्खियों में है। मामला बिल्कुल फिल्मी है, ऐसे में हर कोई सीमा के बारे में छोटी से छोटी बात जानना चाह रहा है। सचिन की वजह से मामले में राजस्थान के लोगों को भी दिलचस्पी काफ़ी आने लगी है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी जो है वो अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। सीमा हैदर को लेकर हर दिन नई बात सामने आ रही है। यह बात भी सामने आई है कि सीमा सचिन को पाकिस्तान बुलाना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से यह संभव नहीं हो सका। सीमा का कहना है कि सचिन के हाथ में ओम गुदा हुआ है, ऐसे में अगर वो उसे पाकिस्तान बुलाती और वो वहाँ पकड़ा जाता तो उसके साथ बहुत बुरा होता। इस बीच खबर है कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करे और कोर्ट में चल रहे केस को ख़त्म किया जाए और फिर सीमा हैदर को उसके बच्चों के साथ उसके देश वापस भेज दिया जाए। वहीं इधर अगर बात करें तो साफ शब्दों में सचिन का कहना है कि कुछ भी हो जाए हम जाने नहीं देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तमाम लोगों से वो गुहार लगाते हुए नज़र आ रही हैं और सचिन भी गुहार लगा रहा है। अब इन सब के बीच में एक तरफ एटीएस की जांच भी चल रही है, क्या निकल कर आता है नहीं तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक सच्चाई है कि क्या वाकई में ये लोग बच पाएंगे और क्या वाकई में पाकिस्तानी जाने से रोक दिया जाएगा या फिर पुलिस इन्हें फाइनली जो है पाकिस्तान के बॉर्डर यानी सीमा पर भेज दिया जाएगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या उन्हें भेज देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।